आगरा इत्मादौला इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सरफिरे आशिक ने दुस्साहस दिखाया और युवती के बात करना बंद करने पर युवती के घर पहुंच गया। सरफिरे आशिक ने छत पर चढ़कर युवती से मारपीट की और तमंचे की बट मारकर लहूलुहान कर दिया और गोली भी मार दी। दरअसल ये पूरा मामला इत्मादौला इलाके के सामने स्थित बस्ती का है, जहां की रहने वाली एक युवती की दो वर्ष पहले फतेहाबाद इलाके के युवक से पहचान हो गई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। 6 माह पहले दोनों में विवाद हो गया था। इसके बाद युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया। इससे युवक बौखला गया था। युवक ने कई बार युवती को धमकी भी दी थी, जिससे युवती ने नजरअंदाज कर दिया। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह 7 बजे युवक तमंचा लेकर युवती के घर पहुंच गया और युवती से मारपीट की। तमंचे की बट सर में मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। यहाँ गणेश नर्सरी के पास एक महिला जिसका नाम उमा है और उनके घर पे उनके पुराने आशिक चढ़ आए दूसरे के छत से और आकर उन पर प्रहार किया। उन्होंने एक उनको गोली मारी है और साथ से बट पे भी बट से सर पे वार किया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है उसका नाम देव गुज्जर है, उसे पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और पूरे मामले का अनावरण करेगी। सर, इस प्रकरण में कोई तहरीर दी है? तहरीर आई है परिवार की तरफ से? एक तहरीर प्राप्त हुआ है और उसमें पूरी वाक्य उन्होंने बताया है। उनकी माता की तरफ से, माता जी की तरफ से तहरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो व्यक्ति चढ़ाया छत पे और इनके ऊपर प्रहार किया है। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है सर? एक ही लोग हैं, एक ही है देव गुज्जर। ठीक सर। नहीं, दहशत पैदा करने के लिए कोई हवाई फायर हुई है ऐसा यहाँ लोग बता रहे हैं कि एक हवाई फायर हुआ है और साथ में एक गोली भी लगी है।